बड़ी अच्छी नोक जोक सुनी ताई आई समझ में कि मैं ज्ञान की बात है। अच्छा ज्ञान की तो बातें दो चार हुए हैं, सारी रात में नुकाया कर रा जाइए रा ये लेके दिए करके खाइए और फालतू तो रगड़ है। और मेरी माता बहनों जागरण तो सारी रात सुनोगे, लेकिन दो एक काम की बात भी जरूरी है। बालाजी का जागरण है, बालाजी का लाल कलर कैसे पड़ा, पीड़ा कोनी होया, हरिया कोनी होया, लीला कोनी होया, यो कोई बड़ा कारण है। छोटा है एक प्रमाणित उनका इतिहास है कि वो सीता माता मांग भरी हुई थी, हनुमान जाके कहने लगे हे माते हे सीते यो सर किसने फोड़ दिया, यो खून हान लाग रहा। नू बोली हे भोले हनुमान, हे राम के सेवक भोले हनुमान, ये सिंदूर है इससे राम की उम्र बद्ध है, ले भाई के तो बावड़ा गांव जाको नी, जाओ तो उल्टा नहीं आवे, सारा सिंदूर लगा लिया। रमेरे राम की उम्र बद्ध है, रमेरे राम की उम्र बद्ध है। जब से बताते हैं बालाजी का लाल कलर पड़ा था, बोलिए बालाजी महाराज की। ये दो चारे बातें बतानी जरूरी है, सफल हो जा। अरे एक माथा में बिंदिया लगाओ हो तमारे, आड़े पंडित जी तिलक करे, आड़ा कोनी करे, आड़ा बिंदी कौन लग गए, घना चौक पड़ा है, यो के कारण आड़ के टावर है यो, अकाड़े बिंदिया लगावे। गणखरी लाडली बेटिया ने कोनी बेरा, जिस तरह मैंने नौजवान ने नूनी बेरा में कितने रात होया कर दे, नुए गणखरी लाडली बेटिया ने कोनी बेटा क्यों लग गए या बिंदी, गणखरी तो शीशा गनू देखेंगी कदे टेढ़ी लागी हो, कदे पति देव ने सुथरी ना लग गए। ये इसका बहुत बड़ा कारण है, छोटे छोटे कारण बताऊंगा, जागरण बतेरे देखे होंगे सारी रात ढाई बात में के आ जा बाबा दे जा बाबा खा जा बाबा ले जा बाबा, बंद गोभी की डालता दरू देड़ी जाओ गिरी को नहीं पावे। मेरा जागरण में गिरी पाओगी, चुटकले भी शिक्षा पर दर बात भी जो घर जो करवाओ हुआ बात पाऊंगी। यो आड़े इसलिए लग है या बिंदिया या ब्रह्म कुटीस है, यहाँ ध्यान लाग परमात्मा का। अरे इस तरला जुगाड़ तो यो मशीन करी सी है, जीसा खावांगे उसी गोबरी बगावांगे, यो एक टावर है। देख अपने छोटी छोटी बात पंडित जी आओगा हवन करवाओगा, अरे वो ओले सोले चावल बगाओगा, ओम मृगो देव साहे धीमे दियो ने प्रचोदयात सुहा, या सुहा के बीमारी है किसे ने बुद्धि, कोई कोनी बुद्धनु कर देगा सुहा। मैं बोले एक दिन दादा या सुहा के बीमारी है, नु बोले गिर दिन बेटा मां मैं उसकी जगह नु कह दू तो बुआहा डुआहा गिर दी। नु बोले ना बेटा ये बड़ा कारण है इसका, महा के है या सुहा, सुहा के बीमारी है। नु बोले सुहा वो है, ये प्रमाणित बातें है भाई जो वेद शास्त्रों में लिखे हैं। सुहा उसने कह जो अग्नि बड़े उसका घराला का नाम सुहा है, अग्नि बड़े, ये सच्चाई बातें हैं। ब्याह में कई चीज होया कर दी, एक राखड़ी होया कर दी, आड़ बंद आ कर देता यावर है बेरहन ताई, उसके कारण होया कर दे। गणखरिया ने तो कोनी बेरा ही तो अपने छोरी पहली तो ससुराल जा कर दी रोया कर दी, ईब कोनी रोंदी ताई तो अगला ही रोवे है, सिस्टम बदल रहा है नहीं, बहुत रीति रिवाज थी। ब्याह में एक छंटी दिया कर दे लो की देखी होगी, लड्डू बोच सारा कुणबा अर मटा, वो कुंगर जिसका ब्याह था वो छंटी ले रहा और उसने नीचे मारा, बोला ओ ककाओ, बोला या छंटी हलवी है, बोला रुक जा ब्याह होने दे, छंटी तक के लेना बहु आ जाएगी। फिर रोली सोली चक्री काट की, बोला दादा या छंटी हलवी से, नो बोला रे लड्डू बोचन दे ब्याह होने दे रुक जा छंटी हलवी से। फिर चक्री काट की, नो बोला रे भाई या छंटी हलवी से, वो ब्याह हो गया और पांच चार छोरे हो गए और पांच चार छोरे की वह जीने मिच्ची ने उसके, अरे जब वो अंडे बुसिया हमू करी उसका ताऊ बोले रे बेटा वह छंटी किसी है, इब अड़वी थी के
नोबलावा छंटी को नीब तो पूरा गाटर हो रहा है तो गणखरिया ने कोने बहुत सी रीति रिवाज है अपने जो समझ में कोनी आवे। हाँ जोड़ा ही होगा जोड़ा भी न के है मैं तो यह क्या करूँ हे बालाजी हनुमान लक्ष्मी रूप वीर का उसे घर भरवाना चाहिए या एक सर से जो मारे रांडिया है उसका ब्याह करवाना चाहिए। रांडिया भी ना ताई किसी जिंदगी है रही है लुगाई से जो चंद्र सुभाष चंद्र बोस वर्गे जाम दिए शहीद भगत सिंह वर्गे जाम दिए रापी जाम रखे भाई के चूर्ण की पुड़िया में लकड़े हैं। ये है जो मारी लक्ष्मी हो है वीर बानी घर की बानी घर का सम्मान नहीं समड़न दे वो मर्द और जिस दिन सम्मान समड़ गया उसे दिन वीर बानी सर पर चढ़ जाएगी उसे दिन नु कही ढेड़ दे रखे था जब ताई हूं खाली पिप्पा। अरे एक मेरी माता बहनों एक और बात बताऊं तम करुआ चौथ का व्रत रखो रुके रहे छटू बैठ जमना जरूरी काम करके आओ कर रहा कर करे वो जरूरी है कदे जरूरी लकड़ दिया। ए प्रमाणित बातें हैं कान पकड़ लियो भाई नौजवानों प्रमाणित बात है जो जागरण की है कदे भी घर मत दुख हो जा संकट आ जा गारंटी है। तीन मीठे बोल बोले एक करवा चौथ का व्रत करो हो नहीं गणखरिया ने कोनी बेरा यो मतलब के है। एक दिन मैं घर आ गया मेरे घराली छालनी लेकी ताई चुबारा पटंगी पाई मैं बोलिया भगवान तले न पड़िया रोटड़ी पोले नू बोली ऊपर आ जाओ आज गच्चू चुरमा बना रखा है मह एक दिन में मैं पलवान हो जाऊंगा नू बोली आज करुआ चौथ का व्रत है और आपका छालनी में का मुंह देखूंगी और फिर व्रत खोलूंगी मां छालनी में का मुंह देखने तक के हो जाएगा नू बोली आपकी उम्र बदेगी मैं बोलिया भगवान घना सुथरा गोविंदा तो मनु नहीं बनाया फिर छलनी मक तो मुंह मेरा ईसा लागगा जानू मेरे चेचक की बीमारी हरी है घना सुथरा ताई लागगा कोनी फिर रही उम्र बदन की बात आड़े दादा लक्ष्मी चंद ने दादा मांगे राम ने जाट मेर सिंह ने एक बात कही है ए, के भीड़ पड़ी मैं नार मर्द की खास दुआई हो मेड़ में टोटा के ओस है भीड़ वीर मर्द दुख सुख के साथी तो ढक्या ढोल रहे जास है। अरे मेरी भारत की लाडली बेटियों स्वामी दयानंद ने बताए हैं स्वामी दयानंद ने बता के है मेरी भारत की लाडली बेटियों छालनी में कमू देखन तो पति की उम्र बदक होगी पति की उम्र जब बदेगी पति ऑफिस में आवे जमींदारा करके आवान दिए तीन मीठे बोल बोले घर बढ़ते ही कहा जी गर्मा गर्म पानी तो ना हो गए ठंडा तो आ जी गर्मा गर्म रोटी पोदी को ठंडी तक काम चला लोगे और दो रेट की खुआ करो पति ही परमेश्वर है पति ही भगवान है दो रेट की हो सके तो नहावे जब महल भी तार दे के आठ लाख गए है ताया वर है ठीक है छोरा मैल तार देर दो रेट की खुआवे विटामिन घिस घिस की पलक बथुआ नूनी घी का चूरमा खीर और दो रेट की कहो हो नंदी के भाई एक और खा ले हो सासू के जाए मेरे ना की एक और खा ले ये घिस घिस की विटामिन खुआओगे तो उम्र बद सके है। अरे एक दर दे भाई साहब लाल मिर्च साढ़ा साठ में मर्दा चालीस में गुड़ लेगा ये पतिव्रता के कादे है पति ही भगवान है पति मानो हो नहीं भगवान है ठाइयो देखा कितनी मानने है पति ने सह भाई भी सह ना पांच चार तो सर जिसने नहीं ठाए वह कुआरी है